नमस्कार और हमारे चैनल में आपका स्वागत है, जहां हम आपके लिए व्यक्तिगत वित्त पर सर्वोत्तम सुझाव और सलाह लाते हैं। आज हम व्यक्तिगत वित्त पर आर्थिक चक्रों के प्रभाव के बारे में बात करने जा रहे हैं। आर्थिक चक्र समय के साथ अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव का उल्लेख करते हैं, जिसमें विकास और मंदी की अवधि भी शामिल है। ये चक्र व्यक्तिगत वित्त पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं और यह समझना महत्वपूर्ण है कि वे आपके वित्तीय कल्याण को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। यहाँ कुछ तरीके दिए गए हैं जिनसे आर्थिक चक्र आपके व्यक्तिगत वित्त को प्रभावित कर सकते हैं। रोजगार। आर्थिक विकास की अवधि के दौरान रोजगार के अवसरों में वृद्धि होती है और बेरोजगारी की दर में कमी आती है। इससे उच्च आय और अधिक नौकरी की सुरक्षा हो सकती है। हालांकि मंदी के दौरान रोजगार के अवसर कम हो सकते हैं और छंटनी अधिक सामान्य हो सकती है। इससे कम आय और वित्तीय अस्थिरता हो सकती है। ब्याज दर। आर्थिक विकास की अवधि के दौरान ब्याज दरों में वृद्धि होती है और उधार लेना अधिक महंगा हो जाता है। हालांकि मंदी के दौरान ब्याज दरें घट सकती हैं, जिससे पैसा उधार लेना आसान और सस्ता हो जाता है। आप अपने कर्ज का प्रबंधन कैसे करते हैं, इस पर निर्भर करते हुए यह एक अवसर और जोखिम दोनों हो सकता है। निवेश। आर्थिक विकास की अवधि के दौरान शेयर बाजार अच्छा प्रदर्शन करता है और निवेश उच्च रिटर्न उत्पन्न कर सकता है। हालांकि मंदी के दौरान शेयर बाजार में गिरावट आ सकती है और निवेश का मूल्य कम हो सकता है। आपके निवेश पर आर्थिक चक्रों के प्रभाव को कम करने में मदद करने के लिए एक अच्छी तरह से विविध निवेश पोर्टफोलियो होना महत्वपूर्ण है। खर्चकर्ता उपभोक्ता। आर्थिक विकास की अवधि के दौरान उपभोक्ता खर्च में वृद्धि होती है, क्योंकि लोगों के पास खर्च करने के लिए अधिक पैसा होता है। हालांकि मंदी के दौरान उपभोक्ता खर्च कम हो सकता है, क्योंकि लोग अपने पैसे को लेकर अधिक सतर्क हो जाते हैं। यह व्यवसायों और समग्र अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। घरों का बिखरी बाजार। आर्थिक विकास की अवधि के दौरान आवास बाजार अच्छा प्रदर्शन करता है और संपत्ति के मूल्यों में वृद्धि हो सकती है। हालांकि मंदी के दौरान आवास बाजार में गिरावट आ सकती है और संपत्ति के मूल्यों में कमी आ सकती है। ये गृह स्वामित्व और घर को बेचने या पुनर्वित करने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है। आर्थिक चक्रों का व्यक्तिगत वित्त पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है और यह समझना महत्वपूर्ण है कि वे आपके वित्तीय कल्याण को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। इन प्रभावों से अवगत होने और तदनुसार योजना बनाकर आप जोखिमों को कम करने और आर्थिक चक्रों द्वारा प्रस्तुत अवसरों का लाभ उठाने में सहायता कर सकते हैं। हम आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो मददगार लगा होगा और अधिक व्यक्तिगत वित्त युक्तियों और सलाह के लिए इसे लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।